पापा जी भूरी गाय। गाय नहीं है वो बैल है। जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ। थक रही है। तू तो कहता तू सिर्फ उससे प्यार करता है। अच्छा प्यार कर सकता हूँ सोनी से। मैं पहला कदम रखूंगा और तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे। सैम को किसने किया है किडनैप? क्या सैम वापस मिल पाएगा? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म हाउसफुल 5 के बारे में। हाउसफुल 5 बॉलीवुड की अपकमिंग कॉमेडी फ्रेंचाइज फिल्म है। हाउसफुल फ्रेंचाइज की पहली फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद इसके सीक्वल्स साल 2012, साल 2016 और साल 2019 में देखने को हमें मिले थे। कहानी की स्टार्टिंग होती है एक होटल की छत से, जहां पर सनी यानी अक्षय कुमार, मैक्स यानी रितेश देशमुख और जय यानी अभिषेक बच्चन होते हैं। सनी कॉल पर कियारा यानी पूजा हेगड़े से बात कर रहा होता है। कियारा सनी से उनके लोकेशन और उनके वापस आने के बारे में पूछती है। सनी कियारा से कहती है कि इस बार उनसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसी के साथ सीन कुछ दिन पहले शिफ्ट हो जाता है। मैक्स अपनी शादी के लिए थाईलैंड जाता है। उसकी शादी लारा यानी लिजा हेडन से होने वाली होती है। मैक्स के साथ इसके तीन बेस्ट फ्रेंड्स सनी, जय और जॉली यानी फरदीन खान भी मैक्स की शादी के लिए थाईलैंड जाते हैं। हम लारा के यंगर ब्रदर सैम यानी रोहन शाह को देखते हैं, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है। लारा के कहने पर मैक्स सैम को अपने और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने देने के लिए मान जाता है। ग्रुप में सैम के आ जाने से जय को बेचैनी होने लगती है। एक रात डिनर करते टाइम लारा के फादर मैक्स के लिए अपना डिसअप्रूवल जाहिर करते हैं। बाद में उसी रात मैक्स हिचकिचाहट के साथ सनी, जय, जॉली और सैम को बियर पीने के लिए ज्वाइन करता है। कैंप फायर के पास बैठकर और मार्शमेलोज को रोस्ट करते हुए वो चारों लोग मैक्स और लारा के हैप्पी फ्यूचर की कामना करते हैं। अगली सुबह सनी, मैक्स और जय की नींद बैंकॉक के होटल में खुलती है। उन लोगों को पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता और वो रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। जब वो लोग थोड़ा होश में आते हैं तब वो देखते हैं कि मैक्स का एक दांत गायब होता है, उसके फेस पर टैटू बना हुआ होता है और जय का सिर पूरी तरह शेव्ड होता है। उन्हें रूम में एक पालतू मंकी भी मिलता है। उनके रूम में एक नेकेड बॉडी भी होती है। वो तीनों उसे डेड बॉडी समझते हैं। जब वो तीनों उस बॉडी को ध्यान से देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये मिस्टर चाओ यानी चंकी पांडे है। सनी चाओ की बॉडी को किक मारता है। चाओ अचानक से खड़ा हो जाता है, जिससे वो तीनों बहुत डर जाते हैं। उन लोगों को सैम कहीं भी दिखाई नहीं देता है और उन्हें रूम में सैम की कटी हुई उंगली मिलती है। चाओ उन्हें कल रात के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि वो थाईलैंड में जय के बुलाने पर आया था और वो लोग चाओ की स्पीड बोट से बैंकॉक पार्टी करने के लिए आए थे। वो आगे बताने से पहले कोकेन इनहेल करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो तीनों चाओ को मरा हुआ समझकर घबरा जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को होटल के आइस बॉक्स में छुपा देते हैं। रूम का वो मंकी भी उन तीनों के साथ ही चलने लगता है। जब जय अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे अपनी पॉकेट में मैक्स का टूटा हुआ दांत मिलता है। सनी के पास जॉली का कॉल आता है। सनी ये जानकर खुश होता है कि जॉली सही सलामत है। जॉली सनी को बताता है कि उसने बैंकॉक पुलिस से बात की है और सैम को कल रात बैंकॉक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो तीनों सैम को लेने पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले सैम की शर्ट व्हीलचेयर पर बैठे एक बुद्धिस्ट मॉन्क को दे देते हैं। वो मॉन्क उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसने पूरी लाइफ चुप रहने की कसम ली होती है। मॉन्क के द्वारा पहनी हुई सैम की शर्ट में से उन्हें एक शॉप का कार्ड मिलता है। जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि वो मार्केट पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। वो तीनों एक टैटू पार्लर में जाते हैं, जहां पर मैक्स ने अपना टैटू बनवाया होता है। वहां से उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कल रात उस मार्केट में एक लड़ाई की, जो बाद में दंगे में बदल गई। वो तीनों मॉन्क को वापस उनके चैपल में छोड़ने जाते हैं, जहां पर एक हेड मॉन्क उन तीनों को मेडिटेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो तीनों मेडिटेट करने लगते हैं। अचानक से जय को याद आता है वो लोग कल रात एक क्लब में गए थे, जहां पर मैक्स ने एक ट्रांसजेंडर वुमेन को किस किया था। वो लोग उस क्लब में जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जब वो लोग उस क्लब से बाहर निकलते हैं तो उन पर दो गुंडे अटैक कर देते हैं, जो उनसे वो मंकी छीन लेते हैं और सनी के हाथ पे गोली मार देते हैं।
एक क्लिनिक में सनी के हाथ का इलाज करवाने के बाद जय उन्हें बताता है कि उसने कुछ मार्शमेलोज में ड्रग मिला दिया था ताकि सैम उन मार्शमेलोज को खा कर बेहोश हो जाए, लेकिन गलती से वो सारे मार्शमेलोज मिक्स हो गए। जय ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो लोग उसको सैम से रिप्लेस ना कर दें। सनी और मैक्स जय पर भड़कने लगते हैं क्योंकि जय ने उन्हें फिर से ड्रग दिया था। मैक्स जय पर यह कहते हुए अटैक करता है कि उसने उसकी शादी खराब कर दी। सनी उन दोनों को रोकता है और कहता है कि उन्हें इस टाइम एक साथ रहना होगा। सनी जय के पेट पर कुछ नहीं नोटिस करता। उसके पेट पर किसी मीटिंग का टाइम और एड्रेस लिखा हुआ होता है। जब वो लोग उस मीटिंग पॉइंट पर जाते हैं, उन्हें वहां पर छोटा डॉन यानी राजपाल यादव नाम का एक गैंगस्टर मिलता है। वो चाओ का बिजनेस पार्टनर होता है और उन तीनों को बताता है कि सैम उसके ही पास है। छोटा डॉन उन तीनों से सैम के बदले चाओ के बैंक अकाउंट का पासवर्ड लाने के लिए कहता है। वो तीनों पासवर्ड ढूंढने के लिए वापस होटल जाते हैं। जब वो चाओ के कपड़ों को चेक करने के लिए उसकी बॉडी को आइस बॉक्स से बाहर निकालते हैं तो चाओ उन तीनों को मारने लगता है। तब उन तीनों को पता चलता है कि चाओ मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश ही हुआ था। चाओ उन्हें बताता है कि बैंक अकाउंट का पासवर्ड इस जैकेट में था जो उस मंकी ने पहन रखी थी, लेकिन मंकी अब उनके पास नहीं है। इसीलिए सनी, मैक्स, जय और चाओ मिलकर उस मंकी को छुड़ा लेते हैं। वो गुंडे इनका पीछा करते हैं और इस कार चेज में एक गोली उस मंकी को भी लग जाती है। वो लोग उस मंकी से अकाउंट का पासवर्ड लेने के बाद उसे एक वेटनरी क्लिनिक के बाहर छोड़ देते हैं। अगली सुबह वो लोग छोटा डॉन के साथ अपनी डील पूरी करते हैं। अचानक से वहां पर इंटरपोल के ऑफिसर्स आ जाते हैं और चाओ को अरेस्ट कर लेते हैं। छोटा डॉन भी इंटरपोल का अंडरकवर एजेंट निकलता है और वो कहता है कि सैम उसके पास नहीं है और पता नहीं कि सैम एक्चुअली कहाँ है। निराश होकर सनी जॉली की वाइफ कियारा को कॉल करके सब बताने ही वाला होता है। ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की स्टार्टिंग में सुना था। मैक्स डिसाइड करता है कि वो ये शादी कैंसिल कर देगा और सबसे कह देगा कि सैम मर गया है। तभी अचानक से मैक्स को याद आता है कि सैम कहाँ है। वो तीनों जल्दी से होटल पहुंचते हैं और होटल की लिफ्ट चेक करते हैं जिसमें सैम सो रहा होता है। दरअसल हुआ ये था कि सैम अपनी कटी हुई उंगली के लिए आइस लेने गया था और जब वो लिफ्ट में था तब इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी जिसकी वजह से वो लिफ्ट में फंस गया था। सनी, मैक्स, जय और सैम चाओ की स्पीड बोट को यूज करके जल्दी से शादी के लोकेशन के लिए निकलते हैं। स्पीड बोट में सैम मैक्स को बताता है कि नशे की हालत में जय ने उसे चैलेंज किया था कि वो अच्छा डेंटिस्ट नहीं है और ये साबित करने के लिए वो अच्छा डेंटिस्ट है या नहीं मैक्स ने अपना ही दांत तोड़ लिया था। लारा के फादर उसकी शादी कैंसिल करने वाले ही होते हैं तब तक मैक्स वहां आ जाता है और उनको सब कुछ सच सच बता देता है, जिसके बाद लारा के फादर मैक्स को पसंद करने लगते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। सैम को बाद में याद आता है कि उसने अपने फोन की बैटरी डेड होने से पहले पार्टी वाली रात की काफी सारी पिक्चर्स क्लिक करी होती है। सनी, मैक्स, जय, जॉली और सैम उन फोटोज को डिलीट करने से पहले एक बार देखते हैं। तो दोस्तों कहानी यही खत्म होती है। तो आप बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।